हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मिचेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हाफ कंजर्वेशन हो रहा है। ये मेथड क्या है और डीएनए में रेप्लिकेशन का मेथड को किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, उसे हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। आज हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डीएनए के रेप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले आप इस चीज़ को क्लियर करें कि डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, यानी कि जो डीएनए में क्षार उपस्थित होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के संपूरक होते हैं और किस तरह से दोनों सूत्रों में वो व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ये आप अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट्स क्लियर करेंगे वो है व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण क्या होता है, Why DNA replication is necessary, यानी कि जो DNA का प्रतिलिपिकरण है वो क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। Hypothesis of DNA replication, यानी कि DNA के प्रतिलिपिकरण की परिकल्पना क्या है, या हम इसे model of DNA replication भी कह सकते हैं कि DNA प्रतिलिपिकरण के models क्या क्या हैं। इसके बाद है introduction about Michelson and Stahl। मिचेलसन एंड स्टाल क्या थे, उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। और उसके बाद है मिचेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था जो डीएनए के रेप्लिकेशन को या प्रतिलिपिकरण को समझा रहा था। डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है रेप्लिका। रेप्लिका का मीनिंग होता है एग्जैक्ट कॉपी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी जब बनती है तो उसे हम रेप्लिका कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग ये हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे डीएनए के जो सूत्र हैं या डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं वो अपनी रेप्लिका का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे नए डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकाज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या मेथड है, इसे आप थोड़ा सा इजीली हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डीएनए। तो डीएनए में एक कैपेबिलिटी ये पाई जाती है कि डीएनए अपने आप को अनवाइंड कर सकता है, या अगर हम डीएनए को अनवाइंड कर दें तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके से इसके दो स्ट्रक्चर यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस एक सूत्र के ऊपर जो बेस पेयर प्रेजेंट होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यहाँ पर आकर के अरेंज हो जाएंगे और इस डीएनए को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से एक जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल था उससे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद है रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा सेल के न्यूक्लियस में या केंद्रक के अंदर होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि जो डीएनए है वो अपने लाइफ के ज़्यादातर टाइम सेल के न्यूक्लियस के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। तो जब एक सेल डिवाइड होने वाली होती है तो डिवाइड होने से पहले, विभाजित होने से पहले, उसके अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, अपने रेप्लिका बनाता है, ताकि जब सेल का डिवीज़न हो तो जो डॉटर सेल बने वो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बने। एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया जा चुका है कि सेल डिवीज़न के दौरान लगभग 6.5 बिलियन बेस पेयर का एक कंप्लीट सेट जो है वो एक साथ एक्यूरेट कॉपी हो सकता है, यानी कि एक बहुत ही लंबा अमाउंट है। हमें पता है डीएनए काफ़ी लंबा होता है, तो इतना सारा अमाउंट ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो इस चीज़ को क्लियर कर सकती है। इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट कॉपिंग ऑफ ऑलमोस्ट 6.5 बिलियन बेस पेयर्स इन अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ईच सेल डिवीज़न। यानी कि ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया कि इतना बेस पेयर यहाँ पर कॉपी हो रहा है, वो हर सेल डिवीज़न के दौरान लगभग इतना ही बेस पेयर जो है वो कॉपी होता है। उसके बाद आता है वाई इज़ डीएनए रेप्लिकेशन नेसेसरी, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों डीएनए रेप्लिकेशन का होना एक बहुत ही ज़रूरी है।
एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका है कि डीएनए जो है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, यानी डीएनए अपनी कॉपीज़ नहीं बनाएगा, तो एक डीएनए जो है वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। यानी कि एक सेल से दूसरी सेल्स में इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना हो या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना हो, इन सभी प्रोसेस के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल डिवीजन कुड नॉट अकर विदाउट रेप्लिकेशन। मींस जो सेल डिवीजन है वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। कैसे? यदि डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होगी तो एक सेल में तो पूरा का पूरा जो ओरिजिनल डीएनए है वो कंटेंट आ जाएगा, लेकिन जो दूसरी सेल है उस दूसरी सेल के अंदर बिल्कुल भी डीएनए नहीं होगा। तो जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में बिना डीएनए वाली जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि एक सेल का जो डीएनए है वो आधा आधा दोनों सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो डीएनए जब हाफ हाफ दोनों सेल के अंदर जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में भी जो डॉटर सेल्स हैं उनमें जितना डीएनए होना चाहिए था उसका हाफ डीएनए ही प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में भी डॉटर सेल्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और तीसरा है फॉर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सजीव क्या होते हैं, जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जी जो बहुत सारी सेल्स हैं, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत सारी सेल्स बनेंगी कैसे, ये बहुत सारी सेल्स सेल डिवीज़न से बनेंगी और सेल डिवीज़न के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का होना ज़रूरी है। उसके बाद है फॉर द कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीसीज़। यानी कि एक जो स्पीसीज़ है, आपको पता है स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज यानी कि जब एक जाति की जब हम बात करते हैं या एक स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिनमें हेरिडिटी एक जैसी होती है, जिनका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता है, जो बाहर से देखने में लगभग सिमिलर होते हैं, उन्हें हम एक जाति में रखते हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो एक स्पीसीज से जो दूसरी स्पीसीज बनेगी वो दिखने में भी सिमिलर नहीं होगी और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सिमिलर नहीं होगा। तो एक स्पीसीज में समान रूप से आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए, हेरिडिटी को सेम रखने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सेल की वाइटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, सेल के रिपेयर के लिए ज़रूरी है और एक ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि रिप्रोडक्शन में जब तक डीएनए का ट्रांसफ़र नहीं होगा डॉटर सेल्स का सर्वाइव रहना बहुत ही मुश्किल है। अब है हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के तीन मॉडल्स दिए गए थे जो ये शो करते हैं कि डीएनए में रेप्लिकेशन किस तरीके का होता है। ये जो तीनों मॉडल हैं वो हैं कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल। हिंदी में अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव यानी संरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षी विधि, डिस्पर्सिव यानी मिश्रित विधि। फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है कंजर्वेटिव या संरक्षी विधि। ये मेथड या ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। एक सेल से जो दो सेल्स बनेंगी उनमें एक में तो कम्प्लीटली पेरेंटल डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा। जो दूसरी सेल होगी उसमें नया डीएनए मॉलिक्यूल होगा, लेकिन ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल की सेम कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। यानी कि यहाँ पे कॉइलिंग नहीं हो रही है डीएनए की। डीएनए जो है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एक साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। लेकिन जो सेल में ऑलरेडी मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए को फॉर्म करने के लिए, उनको उनकी हेल्प से एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं जो एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो कंजर्वेटिव मेथड ये कह रहा है कि डीएनए अपने आप को संरक्षित करके रखता है, वो अलग नहीं होता। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट थे वो इस मॉडल से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये कहना था कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल इतना लंबा होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपी कैसे दूसरी बन जाएगी।
तो उन साइंटिस्ट ने दूसरा मॉडल दिया जो था सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षित विधि। ये मॉडल ये कहता था कि डीएनए में कैपेबिलिटी होती है कि डीएनए अपने स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर सकता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डीएनए है वो सेपरेट होता है और उसके जो दोनों स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं और उससे आकर के एक नया डॉटर मॉलिक्यूल अटैच होकर के एक नया डीएनए बनाता है। तो जो नया डीएनए होगा जो कि डॉटर सेल के अंदर होगा, उस डीएनए के अंदर हाफ यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल डीएनए का होगा और हाफ यानी कि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो नया होगा। तो यहाँ पर ये मॉडल ये सजेस्ट करता है कि डीएनए जो है वो हाफ रूप से कंजर्व रहता है अपनी डॉटर सेल्स के अंदर और डीएनए के ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो एंड तक ये दो स्ट्रैंड सेम रहते हैं, इनमें चेंज नहीं आता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये कैसे पॉसिबल है, डीएनए इतना लंबा होता है तो ये कैसे होता होगा कि डीएनए कम्प्लीटली सेपरेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं। तो इस मॉडल को हम टेम्पलेट मॉडल भी कहते हैं। अब साइंटिस्ट जब इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन साइंटिस्ट ने कहा कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है या प्रतिलिपिकरण होता है वो डिस्पर्सिव मेथड से होता है। डिस्पर्सिव यानी कि मिश्रित रूप से ऐसा होता है। ये मॉडल क्या कहता है? जो तीसरा है डिस्पर्सिव मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डीएनए जो पेरेंटल होता है, जो पेरेंटल डीएनए होता है उसके वो छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है और वो सेगमेंट्स अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और एंड में क्या होता है, ये सेगमेंट्स और न्यू सेगमेंट्स आपस में मिक्स होकर के एक मिक्स्ड डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो न्यू सेल्स बनेंगी उन सेल्स के अंदर क्या होगा, उनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो डीएनए जो है वो मिक्सचर होगा पेरेंटल डीएनए और न्यू डीएनए का। अब ये जो तीन हाइपोथेसिस दी गई थी, इन हाइपोथेसिस में सही हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए ही ये मिजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट किया गया था। मिजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझने से पहले हमें जान लेते हैं कि मिजल्सन और स्टाल कौन थे। तो मिजल्सन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और वो 1954 में एक टीचिंग असिस्टेंट के लिए वुड्स हॉल नामक एक जगह पर गए थे और वहाँ पर स्टाल जो है वो एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो था। यहाँ पर इन दोनों की मीटिंग हुई और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, जो एक्सपेरिमेंट है मिजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिसे मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी कहा जाता है और जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के मोड पर शो किया गया है। मिजल्सन और स्टाल ने क्या किया, इसके लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ किया जो है ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया और यहाँ पर इन्होंने हैवी आइसोटोप या भारी समस्थानिक का यूज़ किया इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का या अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप की। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप या जो समस्थानिक होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट के वेरिएंट्स होते हैं। इन वेरिएंट्स में न्यूट्रॉन का तो सेम नंबर होता है लेकिन जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जो प्रोटॉन नंबर हाई होता है या हैवी होता है उन्हें हम हैवी आइसोटोप या भारी समस्थानिक कहते हैं। मिजल्सन और स्टाल ने यहाँ पर जिन आइसोटोप का यूज़ किया है वो नाइट्रोजन के आइसोटोप हैं। 14N जो है ये नॉर्मल आइसोटोप होता है जिसके अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो दूसरा है जिसे हम N15 कह रहे हैं, N15 में प्रोटॉन तो 7 ही होते हैं लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन्स 8 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ज़्यादा N14 से एक ज़्यादा न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मिजल्सन और स्टाल ने नाइट्रोजन का ही यूज़ क्यों किया, यानी कि जो आइसोटोप यूज़ किए वो नाइट्रोजन के यूज़ क्यों किए, किसी और के यूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। और डीएनए के जब बेस पेयर्स को आप देखेंगे, देखिए एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सारे के सारे जो बेसिस हैं जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सबके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर तो नाइट्रोजन जो है वो सारे के सारे बेसिस में प्रेजेंट होता है, इसलिए नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करना यहाँ पर इजी है, इसलिए इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप को यूज़ किया था। अब हम बात करते हैं मिजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट की। मिजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या था?
तो मिजल्सन और स्टाल ने क्या किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया को चूज किया था। ई कोलाई बैक्टीरिया को चूज करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि ई कोलाई बैक्टीरिया का जो एक ग्रोथ साइकिल है, एक वृद्धि चक्र है, वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। पहले मिजल्सन और स्टाल ने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के जो वाइल्ड टाइप था उसको कई जनरेशंस तक N15 मीडियम के अंदर ग्रो किया। ऐसा मीडियम लिया जिसमें नाइट्रोजन का जो सोर्स था वो हैवी आइसोटोप था, N15 था, और कई जनरेशंस तक ई कोलाई बैक्टीरिया को इस पर ग्रो किया। तो रिजल्ट क्या निकला, जब कई जनरेशन पे ई कोलाई N15 पर ग्रो हो रहा है तो उसके डीएनए में जहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है सब जगह N15 जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी कि N15 उसके अंदर प्रेजेंट हो गया। ऐसा डीएनए जिसके अंदर N15 है वो डीएनए हैवी डीएनए कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आइसोटोप प्रेजेंट है वो कैसा आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है। इसके बाद इन्होंने हैवी डीएनए वाले ई कोलाई को N14 मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए यहाँ पर N14 में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हर जनरेशन की जो सेल थी उसका डीएनए अलग निकाला और उस सेपरेटेड डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट यानी कि जो भार हो, यानी कि जो डीएनए का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करके अलग किया। और यहाँ पर जिस सॉल्यूशन को इन्होंने यूज़ किया वो है सीजियम क्लोराइड, जिसे हम CSCl सॉल्यूशन भी कहते हैं। इस सॉल्यूशन में डीएनए को डालकर सेंट्रीफ्यूज किया जिससे जो डीएनए है उसके बारे में पता चल जाए कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसका डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है। वी डीएनए वाली जो ई कोलाई है उसके डीएनए को सेपरेट करके हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो बैंड बनता है वो बैंड नीचे की तरफ बनता है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जितना भी डीएनए है वो सारा का सारा डीएनए कैसा है, हैवी डीएनए हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। और जब हमने N14 पर उसको ट्रांसफ़र किया ई कोलाई को जो पहले N15 पर था, तो उसकी फर्स्ट जनरेशन से हमने जब डीएनए को सेपरेट किया और उसको CSCl के साथ में सेंट्रीफ्यूज किया तो जो बैंड बना वो बैंड कहाँ पर बन रहा है, वो बैंड बन रहा है सेंटर में, यानी कि जो डीएनए है वो इंटरमीडिएट टाइप का है। इंटरमीडिएट मींस एक स्ट्रैंड तो हैवी है और दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, दूसरा स्ट्रैंड लाइट डीएनए का है, यानी कि N14 डीएनए का है। और जब अगेन F2 जनरेशन आई, यानी कि 40 मिनट्स के बाद में जब डीएनए को उन्होंने सेपरेट किया तो टू बैंड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये जो टू बैंड्स हैं वो नीचे वाला जो बैंड है वो बैंड तो है ऐसे स्ट्रैंड का जिसमें एक N15 और एक N14 प्रेजेंट है, और ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल का है जो कम्प्लीटली N14 वाले डीएनए मॉलिक्यूल हैं। से हम इस डायग्राम से और इजीली समझ सकते हैं, ये जो फर्स्ट जनरेशन है जब ई कोलाई को N15 से निकाल करके N14 में डाला गया था और उसका डीएनए सेपरेट करके जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उसका एक बैंड बना जो कि बॉटम में बन रहा है। जब उसकी सेकंड जनरेशन आई, यानी कि आफ्टर 40 मिनट्स जब डीएनए को सेपरेट किया गया तो डीएनए का जो बैंड है वो सेंटर में बन रहा है, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल हैवी है और यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड हैवी है और दूसरा डीएनए स्ट्रैंड लाइट है, यानी कि N14 और N15 का मिक्सचर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है। जब थर्ड जनरेशन के अंदर डीएनए को सेपरेट किया गया तो क्या देखा, यहाँ पर टू बैंड शो हो रहे हैं। नीचे वाला जो बैंड होगा वो इंटरमीडिएट डीएनए को शो कर रहा है, यानी कि N14 और N15 के मिक्सचर डीएनए को शो कर रहा है, और ऊपर वाला जो बैंड है वो बैंड ये शो कर रहा है जो सारे के सारे N14 डीएनए है। क्योंकि हमने ई कोलाई को N14 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है तो अब जितना भी डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें जो नाइट्रोजन होगी बेस के अंदर वो सारी की सारी N14 टाइप की होगी, यानी कि N14 का कंटेंट जो है यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जब आगे नेक्स्ट जनरेशन में हम देख रहे हैं तो ऊपर वाला जो बैंड है वो मोटा होता चला जाएगा, लेकिन नीचे वाला बैंड इंटरमीडिएट बैंड ऐसे कैसे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि जो पेरेंटल डीएनए है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसके स्ट्रैंड मौजूद रहते हैं, इसलिए वो एक बैंड हमेशा शो होगा। चाहे कितनी भी जनरेशन तक हम इस एक्सपेरिमेंट को कर लें, ऊपर वाला जो बैंड है वो मोटा होता चला जाएगा, लेकिन जो एक
स्ट्रैंड है वो हमेशा इंटरमीडिएट ही होगा, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि डीएनए के अंदर सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन पाया जाता है। ये कंप्लीट रिजल्ट है मिजलसन रिस्टाल के एक्सपेरिमेंट का, जिसमें आप देखिए N15 के अंदर सबसे पहले डीएनए को ग्रो किया गया, जिससे यहाँ पर 100% जो डीएनए मॉलिक्यूल होंगे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, वो सारे के सारे डीएनए मॉलिक्यूल कैसे होंगे, हैवी टाइप के होंगे। नेक्स्ट टाइम जो सेकंड जनरेशन आई, यानी कि वो फर्स्ट जनरेशन जिसमें N15 से निकाल करके E. coli को N14 पर ट्रांसफ़र किया गया, इसमें क्या हुआ, इसमें 100% जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट टाइप का डीएनए होगा, यानी कि एक स्ट्रैंड N14 का और एक स्ट्रैंड N15 का प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है, वहाँ पर 50% डीएनए इंटरमीडिएट और 50% डीएनए हैवी टाइप का। मैंने आपको कहा था आगे क्या होगा, आगे आने वाले जनरेशन में जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो ऐसे ही प्रेजेंट है, उसकी जो विड्थ है वो कम होती चली जाएगी और जो N14 वाला डीएनए है उसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। थर्ड जनरेशन में 25% इंटरमीडिएट डीएनए प्रेजेंट होगा और 75% जो डीएनए है वो N14 टाइप का प्रेजेंट होगा। इसे हम इस डायग्राम से भी इजीली समझ सकते हैं। देखिए जनरेशन जीरो का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो दोनों के दोनों रेड लाइन से शो हो रहे हैं, यानी कि जो दोनों डीएनए हैं, यानी कि ये जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड हैं वो हैवी टाइप के हैं। अब जब जनरेशन वन आई तो जनरेशन वन में क्या हुआ, इस जनरेशन वन में एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंट का था और दूसरा डॉटर डीएनए था। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए बना है वो 100% डीएनए कैसा है, वो सारा का सारा जो डीएनए है वो इंटरमीडिएट टाइप का होगा। अब जो जनरेशन फर्स्ट का डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन होगा, तो इस रेप्लिकेशन में जो डीएनए बनेंगे उसमें एक में तो पेरेंटल डीएनए जाएगा और जबकि दूसरे में लाइट वाला, जबकि दूसरा जो है वो लाइट वाला डीएनए होगा। और इसे जब एंड में आप देखेंगे जनरेशन फोर के अंदर, आप देखिए जनरेशन फोर में लगभग सारा का सारा जो डीएनए है, लगभग 90% डीएनए जो है वो कन्वर्ट होकर के N14 बन चुका है, लेकिन जो पेरेंटल डीएनए के दो स्ट्रैंड थे वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो मिजलसन और स्टाल इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये शो करना चाहते थे कि जो पेरेंटल डीएनए है वो कम्प्लीटली तो कंजर्व नहीं रहता, लेकिन उसका हाफ पार्ट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता है, आगे जाता है। इसे हम अर्धसंरक्षी विधि या सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इस समरी से हम ये जान सकते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन मोड किस टाइप का होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव टाइप का। अब यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं जो ये शो करते हैं कि अगर कंजर्वेटिव मोड होगा तो बैंड कहाँ बनेगा, अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड होगा तो बैंड कहाँ बनेगा, और अगर डिस्पर्सिव मोड होगा तो बैंड कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट जो है, जब N15 के अंदर रखा गया था तो N15 मीडियम का जो सेंट्रीफ्यूगेशन में बैंड बनना चाहिए वो नीचे की तरफ बनना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन से हमें पता नहीं चलता कि मोड किस टाइप का है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तीनों ही टाइप में बैंड नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखेंगे, जब N14 मीडियम पर उसको ट्रांसफ़र किया गया तो N14 मीडियम में अगर कंजर्वेटिव मेथड होगा, यानी कि डीएनए कम्प्लीटली संरक्षित हो रहा है, तो उसके अंदर बैंड जो बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, 50-50 बनेंगे। क्योंकि कंजर्वेटिव मेथड क्या कहता है, कंजर्वेटिव मेथड ये कहता है कि डीएनए खुद सेपरेट नहीं होता, अपने जैसा डीएनए बनाता है। तो अगर इस तरीके के बैंड बनते हैं तो वो कंजर्वेटिव मेथड होगा, अगर सिंगल बैंड बन रहा है तो वो सेमी कंजर्वेटिव भी हो सकता है, डिस्पर्सिव भी हो सकता है। तो सेकंड जनरेशन में भी हम ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाए कि मोड जो है वो किस तरीके का है। जब थर्ड जनरेशन आई, ये थर्ड जनरेशन देखिए, इस थर्ड जनरेशन में 50-50% डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ शो हो रहे हैं, 50% तो है इंटरमीडिएट टाइप की और 50% जो है वो न्यू डॉटर मॉलिक्यूल है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन तो नहीं होता है। अब जो एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग
जो बैंड बन रहे हैं वो दो बैंड बन रहे हैं, एक बैंड नीचे और एक बैंड ऊपर की तरफ, यानी कि एक इंटरमीडिएट मीडिया, एक इंटरमीडिएट डीएनए का बैंड बनेगा और दूसरा जो है वो लाइट डीएनए का बैंड बनेगा। यहाँ पर ये कम्प्लीटली प्रूव हो गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, यानी कि द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए रेप्लिकेटेड सेमी कंजर्वेटिवली, यानी कि डीएनए में अर्ध संरक्षी प्रकार का प्रतिलिपिकरण पाया जाता है। निजलसन और स्टाल ने ई कोलाई को चूज किया था, जो एक बहुत ही छोटा सा बैक्टीरिया है, जो इस चीज को प्रूव करता है कि छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हम जब मिजलसन और स्टाल एक्सपेरिमेंट को समझ रहे हैं, ठीक उसी टाइम हमारी बहुत सारी सेल्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, अभी भी, आगे आने वाले टाइम में भी, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता रहेगा। तो डीएनए का काम कभी नहीं रुकता, डीएनए हमेशा रेप्लिकेट होता रहता है ताकि सेल्स जो हैं वो ग्रो होती रहें, उनकी वाइटल ग्रोथ होती रहे, इन्फॉर्मेशंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहें। ये डीएनए रेप्लिकेशन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने मिजलसन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट को समझाया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं डीएनए रेप्लिकेशन का ओवरव्यू समझाऊंगी, जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किन किन एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, उन एंजाइम्स का काम क्या होता है। इसे हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं दो लेक्चर डीएनए पर बना चुकी हूँ, जो है डीएनए के बायोलॉजिकल रोल पर और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पर। तो वो दोनों जो लेक्चर हैं उनका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक प्रेजेंट होगा। मेरे सारे के सारे लेक्चर्स आप मेरे चैनल बॉटनी ज्ञान पर देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। अगर आप कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो वो आप मुझे दे सकते हैं। किसी पर्टिकुलर लेक्चर पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan.